नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जो शायद बहुत ही कम लोगों को याद रहा होगा। ये एक टकराव था जो टल गया। ये टकराव विचारधाराओं के दो ध्रुव बाला साहब ठाकरे और जरनैल सिंह भिंडरांवाले के बीच हुआ। पंजाब में 3 दशक पहले जरनैल सिंह भिंडरांवाला एक चरमपंथी कट्टरवादी संत के रूप में उभरे थे। अपनी गतिविधियों और विचारधारा के कारण भिंडरांवाले की चर्चा देश दुनिया के कई हिस्सों में होने लगी। भिंडरांवाला मानते थे कि लक्ष्य को पाने के लिए हिंसा का रास्ता भी गलत नहीं है। बात मार्च 1982 की है, जब शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने राष्ट्रवादी नेता इंदिरा गांधी का समर्थन करते हुए जरनैल सिंह भिंडरांवाला को चुनौती दी कि अगर आप में इतनी कुव्वत है तो आप बंबई में आकर दिखाओ, तो पता लगेगा कि असली योद्धा कौन है। शेर की मांग में आकर दिखाओ भिंडरांवाला। भिंडरांवाला ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बंबई पहुंच गए। भिंडरांवाला सीधा दादर स्थित गुरुद्वारा पहुंचे। भिंडरांवाले के साथ कई 100 गाड़ियों का काफिला था। बंबई पहुंचकर भिंडरांवाले ने कहा, मैं बंबई आ गया हूं और कल अकेले सड़कों पर अकेले घूमूंगा, आ जाना। दोस्तों, कहा जाता है जितने दिनों तक भिंडरांवाला बंबई में रहे, बाला साहब ठाकरे बंबई में रहते हुए भी चुपचाप बैठे रहे। कई लोगों का मानना है कि बाला साहब ठाकरे ने समझदारी दिखाई। अगर दोनों का आमना सामना होता तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा ही होती। और दूसरी तरफ कई लोगों का ये भी मानना है कि बाला साहब ठाकरे इसीलिए सामने नहीं आए क्योंकि शायद वो डर गए थे। भिंडरांवाले के बंबई लौटने के 3 दिन बाद बाला साहब ठाकरे पब्लिक लाइफ में अपीयर हुए। दोस्तों, हर इंसान की कुछ अच्छाइयां होती हैं और कुछ बुराइयां भी। भिंडरांवाला के बारे में एक तरफ ये कहा जाता है कि भिंडरांवाला का प्रभाव इतना था कि उसके मात्र कह भर देने से ही लोग शराब, सिगरेट और मांस छोड़ देते थे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी फैक्ट है कि उस समय जब सिख समुदाय के कुछ लोग भारत में अलग सिख राज्य खालिस्तान की मांग कर रहे थे, तो भिंडरांवाला और उसके समर्थकों ने स्वर्ण मंदिर में हथियार और गोला बारूद जमा करना शुरू कर दिया था। 6 जून 1984 को पंजाब के अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया गया। भिंडरांवाला की अगुवाई में सिखों के लिए अलग देश की मांग को लेकर स्वर्ण मंदिर में आतंकियों द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया था। इस ऑपरेशन में 493 आतंकियों को मार गिराया गया था। सेना के साथ चली खालिस्तान समर्थकों की लड़ाई में आखिरकार सेना ने भिंडरांवाला को मार गिराया और स्वर्ण मंदिर को आतंकियों के कब्जे से छुटा लिया। लेकिन दोस्तों, वो कहावत है ना कि जो बीत गया सो बात गई, इस बात पर मिट्टी डाल देना ही बेहतर है। और बाला साहब ठाकरे और जरनैल सिंह भिंडरांवाले में शेर कौन था, इस टॉपिक को ना ही छेड़ें तो अच्छा है।